हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो भी स्टूडेंट्स नीट 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फाइनली स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म का कि एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज़ होगा। और एक डाउट है, एक कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स के माइंड में कि जो नीट 2021 का एग्ज़ाम है वो तय डेट मतलब 1 अगस्त जो बोला गया है उसी डेट पर होगा या फिर एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। तो ये सारे डाउट्स मैं आज इस वीडियो में आपके क्लियर करने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ एप्लीकेशन फॉर्म कब से रिलीज हो रहा है और जो आपका एग्जाम है वो आपका पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। साथ में फ्रेंड्स, यदि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अन अकेडमी आपके लिए लाया है अमेजिंग ऑफ़र। अन अकेडमी कॉम्बैट जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट है नीट यूजी स्टूडेंट्स के लिए। एवरी संडे आपका ये टेस्ट रखा जाता है मॉर्निंग 11 AM। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये टेस्ट आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री रहने वाला है। रजिस्ट्रेशन आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। आपको इस टेस्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट अनलॉक करने के लिए PR2010 कोड का यूज़ करना है ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेस्ट को दे सके। अब नीट यूजी का जो ये बिगेस्ट वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट है, इससे क्या क्या बेनिफिट्स है आप अपनी लाइव रैंकिंग देख सकते हैं कि आप कहां पर लाई करते हैं। 60 मिनट के ड्यूरेशन का टेस्ट रहेगा, 28 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है, 4 करोड़+ रुपए तक की स्कॉलरशिप जीतने तक का आपको मौका मिलेगा। और ये जो कॉन्टेस्ट होने वाला है ये सेपरेट होगा, क्लास 11th, क्लास 12th एंड ड्रॉपर ईयर जो स्टूडेंट है उन सबके लिए ये सेपरेट होने वाला है। एनरोलमेंट बिल्कुल फ्री रहेगा। तो एवरी संडे मॉर्निंग 11 AM आपका ये टेस्ट होता है। अनलॉक करने के लिए आपको PR2010 कोड यूज करना है। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री रहेगा। अन अकेडमी एंड्रॉयड ऐप से आप लाइव इस टेस्ट को दे सकते हैं, लाइव रैंकिंग अपनी जान सकते हैं कि आप कहां पर लाई करते हैं। ये इंडिया का बिगेस्ट वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट है। तो गाइज, जो भी स्टूडेंट जिनका भी रैंक 1 to rank 3 आएगा उनको 1 ईयर नीट यूजी प्लस सब्सक्रिप्शन मिलने का मौका मिलेगा। और जिन भी स्टूडेंट्स का रैंक 4 to 10 आएगा उनको 75% स्कॉलरशिप मिलेगी। और रैंक 11 to rank 50 वाले स्टूडेंट को 50% स्कॉलरशिप मिलेगी। एंड रैंक 51 to 150 वाले स्टूडेंट को 25% की स्कॉलरशिप मिलेगी। तो गैज, कौन कौन से सब्जेक्ट इस कॉन्टेस्ट में पूछे जाने वाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी। एवरी संडे आपका होता है, 60 मिनट के ड्यूरेशन का टेस्ट रहेगा। प्राइजेज है, जो टॉप 3 विनर्स रहेंगे उनको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी उन प्लस सब्सक्रिप्शन पर। और जो 150 विनर्स रहेंगे उनको भी एडिशनल डिस्काउंट दिया जाएगा। तो गाइज याद रखिए, इस टेस्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए PR2010 कोड आपको यूज़ करना है। तो जो फॉर्मेट रहेगा टेस्ट का वो 60 मिनट के ड्यूरेशन का टेस्ट होगा। 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स से क्वेश्चन होंगे। तो आप अपना स्कोर जान सकते हैं। वीकली कॉन्टेस्ट होता है और ये क्लास 11th, 12th एंड प्रॉपर ईयर स्टूडेंट के लिए रहेगा, अलग अलग होने वाला है। इनरोलमेंट बिल्कुल फ्री रहेगा। एंड्रॉयड ऐप के ऊपर ये अवेलेबल है। PR2010 कोड से आपको अनलॉक करना है। नीट यूजी का बम्पर ऑफर पॉपुलर डिमांड पर वापस से ये ऑफर रखा गया है। आज ही खरीदिए 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन और पाइए 2 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन या एक्सटेंशन फ्री। सब्सक्रिप्शन फ्री टिल नीट 2022। ऐसे ही 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेने पर 3 मंथ्स का एक्सटेंशन पाइए और सब्सक्रिप्शन रहेगा फ्री टिल नीट 2023 पर। ये पॉपुलर डिमांड रही है स्टूडेंट्स की गाइज। और साथ में यदि आप अन अकेडमी का कोई भी फ्री प्रोडक्ट यूज करते हैं तो PR2010 कोड यूज करने से आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसका यूज कर सकते हैं। और साथ में गाइज, यदि आप कोई भी पेड कोर्स लेते हैं तो PR2010 कोड यूज करने से आपको 10% का अमेजिंग डिस्काउंट मिलेगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से डायरेक्टली आप इनरोल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो नीट 2021 के स्टूडेंट है उनके लिए क्या लेटेस्ट न्यूज़ है, क्या कोई ऑफिशियल नोटिस है नीट 2021 स्टूडेंट्स के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसकी वजह से जो स्टूडेंट्स है वो काफ़ी कंफ्यूज है, क्योंकि 1 अगस्त 12 मार्च को एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया था जहाँ पर एग्ज़ाम डेट आपकी कन्फर्म की गई थी कि 1 अगस्त को एग्ज़ाम डेट रखी गई थी, 1 अगस्त को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन
गाइस एग्जाम देने से पहले एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होते हैं, तो अगर अब तक देखा जाए तो एप्लीकेशन फॉर्म ही रिलीज नहीं हुए हैं। ठीक है, क्या दिक्कत है, क्यों एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज नहीं हो रहे और होंगे तो फिर कब होंगे? ठीक है, तो फाइनली जो अनाउंसमेंट है वो क्या अनाउंसमेंट है आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। साथ में गाइस जो नीट के स्टूडेंट्स हैं उनकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, जैसे मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो MBBS में ही एडमिशन लेना चाहते हैं, तो MBBS BDS एंड अदर मेडिकल कोर्सेज की कितनी कितनी सीट्स रखी गई है नीट 2021 के लिए, तो वो सब आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो देखिए हम चलते हैं डायरेक्टली। तो हम बात करते हैं नीट एप्लीकेशन फॉर्म 2021 जो क्लैरिटी है डेट्स के ऊपर वो क्या है, रजिस्ट्रेशन आप कब से अप्लाई कर सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेड माना गया है। तो नीट UG 2021 एप्लीकेशन येट टू बी रिलीज्ड बाई NTA। ठीक है, अब तक NTA के थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज नहीं किए गए हैं। द मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम इज शेड्यूल्ड टू बी कंडक्टेड ऑन 1st of August फॉर MBBS BDS एडमिशन इन इंडिया। तो MBBS जितने मेडिकल कोर्सेज हैं उन सभी में एडमिशन के लिए नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, ये आप सभी को ऑलरेडी पता है। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इज येट टू रिलीज द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ इंडिया सिंगल लार्जेस्ट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट और नीट 2021। तो NTA के थ्रू ही एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो भी NTA की ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिलेगी। अमिड द COVID-19 पैंडमिक मेडिकल स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग फॉर द एंट्रेंस एग्जाम आर कॉन्टिन्यूसली डिमांडिंग। तो जो भी स्टूडेंट्स मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको उनकी कंटिन्यू यही डिमांड है कि प्लीज़ ये क्लियर किया जाए कि एग्जाम डेट क्या होगी, क्या एग्जाम पोस्टपोन होगा नहीं होगा, और नहीं होता है तो एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज किए जाएंगे, कब से हम अप्लाई कर सकते हैं। नीट 2021 पोस्टपोनमेंट ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हाउएवर द NTA हैज मेड नो ऑफिशियल स्टेटमेंट एज टू व्हेन नीट 2021 रजिस्ट्रेशन विल कमेंस एंड वेदर और नॉट द मेडिकल टेस्ट विल बी पोस्टपोन्ड। ठीक है, तो जो बोला जा रहा है कि नीट का जो एग्जाम है 2021 का वो पोस्टपोन होगा, वो किसके बेसिस पर बोला जा रहा है, जो अभी करंट सिचुएशन जो कोविड पैंडमिक चल रहा है उन उस सिचुएशन को देखकर बोला जा रहा है, और साथ में और भी काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं जिनको देखकर ये बोला जा रहा है कि नीट का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन होगा। क्या क्या फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। कोविड के ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, जितने केसेस बढ़ रहे हैं जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम थे, प्राइवेट एग्जाम थे, स्कूल कॉलेज लेवल के जो भी एग्जाम थे वो सब आपके पोस्टपोन कर दिए गए हैं, कुछ एग्जाम कैंसिल कर दिए गए हैं, कुछ एग्जाम पोस्टपोन कर दिए गए हैं। अब उससे क्या हुआ कि नीट का एग्जाम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है उन चीज़ों का, नीट का जो एग्जाम है वो बेस होता है, 12th के बेस पर एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। जब 12th के एग्जाम भी कंडक्ट नहीं करवाए जाएंगे तो नीट का एग्जाम किस तरीके से पॉसिबल हो सकता है कि कंडक्ट करवाया जाए। ठीक है, इसलिए ही गवर्नमेंट वेट कर रही है कि सिचुएशन जो है थोड़ी कंट्रोल में आए, कंट्रोल में आने के बाद जो सेफ्टी गजेट्स है उनके साथ स्टूडेंट्स को एग्जाम दिलवाया जाए। जैसे ही 12th के एग्जाम स्टार्ट होंगे नीट एप्लीकेशन फॉर्म भी रिलीज कर दिए जाएंगे, और नीट एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज करने के बाद आपका फाइनली ये डिसाइड होगा कि एग्जाम जो है वो आपका कब कंडक्ट करवाया जाएगा, एग्जाम आपका पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। तो अभी करंट सिचुएशन देखकर यही बोला जा रहा है कि नीट का जो एग्जाम है वो पोस्टपोन होगा। सो फॉर नीट 2021 हैज बीन शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 1st of August इन पेन एंड पेपर मोड फॉर ओवर 15 लाख मेडिकल एस्पायरेंट्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है वो हम बात कर लेते हैं। नीट UG 2021 जो स्कोर्स है वो 83,075 MBBS सीट्स है। अगर मैं BDS की बात करूँ तो 26,949 BDS सीट्स है। आयुष की बात की जाए तो आयुष में टोटल है 52,720 सीट, और BVSC एंड AH की बात की जाए तो 525 सीट है। अगर मैं एम्स की बात करूँ तो 1,899 सीट है, और जिपमर की बात की जाए तो 249 सीट्स है विल बी ग्रांटेड। ठीक है, ये ग्रांट हो चुकी है, ये सीट्स आपकी होगी होगी। तो आप देख सकते हैं एक्चुअल में MBBS में काफ़ी ज़्यादा सीट्स है, और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स जो है वो और भी इंक्रीज हो सकती है। एडिशनली फ्रॉम दिस ईयर फॉर द स्कोर्स ऑफ द नीट एंट्रेंस एग्जाम विल ऑल्सो बी यूज फॉर BSc नर्सिंग एंड BSc लाइफ साइंस एडमिशंस। एलिजिबल नीट एस्पायरेंट्स मस्ट रीड द फुल स्टोरी टू नो मोर डिटेल्स ऑन नीट 2021 रजिस्ट्रेशन।
नीट 2021 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस तरीके से अप्लाई करना है, तो जो एनटी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से आपका अप्लाई होगा। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए NTNEET.NIC.IN जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाना है, लॉगिन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, डॉक्यूमेंट जो भी मांगे गए हैं वो अपलोड करने हैं, पेमेंट आपको करनी है और जो कन्फर्मेशन पेज रहेगा उसका प्रिंट आपको लेना है। ठीक है गाइस, तो ये थी आपकी इन्फॉर्मेशन नीट के एग्जाम को लेकर। जैसे ही कोई लेटेस्ट नोटिस आता है ऑफिशियल, उसके साथ मैं बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ओके, थैंक यू गाइज़।